अभी बेरोजगारी खत्म ही नहीं हुई बिहार में। 15 सालों से मैंने डबल इंजन की सरकार को देख ली, कभी भी बेरोजगारी खत्म नहीं हुई। सड़क बना दी, बिजली बना दी, रोड बना दिए, घर हर घर नल जल सब दिए, इससे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? किन मुद्दों के साथ आज अपना यहाँ पे मतदान देने आए हैं? बस यही कि हम लोग विकास चाह रहे हैं, हम लोग को अपना रोजगार चाह रहे हैं कि हम युवा लोग को कुछ मिले। किन मुद्दों के साथ यहाँ पर वोट दीजिएगा? विकास मुद्दे के साथ। हम तो चाहते हैं कि विकास हो, सबका अच्छा हो, अपना देश आगे बढ़े। पहले तो विकास के मुद्दे पर वोट किए थे लेकिन विकास तो कुछ हुआ नहीं, और अभी इस बार बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट करने आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूँ आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जो कि आज है, और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ पर सुबह के 7:30 बज रहे हैं और काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो अपना मतदान देने आए हैं, वोट देने आए हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि लंबी कतार यहाँ पर लग चुकी है लोगों की। आपको बताते चले कि यहाँ पर से महागठबंधन के प्रत्याशी हैं सुनील कुमार साहू, और वही अगर NDA की बात कर लिया जाए तो यहाँ पर NDA के भाजपा प्रत्याशी हैं डॉक्टर सुनील कुमार, जो कि यहां पर अभी मौजूदा विधायक भी हैं। तो सुबह के 7:30 बज रहे हैं और काफ़ी संख्या में जो वोटर्स हैं वो अपना मतदान करने यहां पर पहुंचे हैं, और आप तस्वीरों में माध्यम से देखिए कि काफ़ी महिलाएं भी यहां पर जो हैं वो वोट देने आई हैं, बुजुर्ग महिला भी हैं। हम सबसे पहले बुजुर्ग महिला से भी बात करनी चाहेंगे कि किन मुद्दों के आधार पर आज यहाँ पर आप चाची वोट करने आई हैं? वोट देने आए हैं। तो किन मुद्दे? विकास का मुद्दा, रोजगार का? विकास के मुद्दे पे। तो आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि सुबह सुबह ये मतदान करने आई हैं और विकास के मुद्दे पर ये अपना मतदान दे रही हैं यहाँ पर। सुबह सुबह आज वोट देने आई हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो किन मुद्दों के साथ यहाँ पर वोट दीजिएगा? विकास मुद्दे के साथ। तो जब आपने पिछली बार विधानसभा में अपना मतदान किया था तो उस समय भी आपका विकास का ही मुद्दा था? हाँ। तो आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि विकास के मुद्दे पर ये लोग यहाँ पर वोट देने आए हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ पर सुबह सुबह लोग आए हैं और महिलाओं की भी संख्या काफ़ी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और जो सुबह का 7:30 बज रहा है और ये बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर आज अपना मतदान करने आए हैं? सर, विकास के लिए। तो आपने पहले भी अपना मतदान दिया होगा 2015 में विधानसभा क्षेत्र में, तो उस समय कौन सा मुद्दा था? उस समय भी विकास का मुद्दा था? जी जी जी, हम तो चाहते हैं कि विकास हो, सबका अच्छा हो, अपना देश आगे बढ़े। तो आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि विकास के मुद्दे को लेकर वोट करने आए हैं, और भी कुछ लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। किन मुद्दे को लेकर आज सुबह सुबह यहाँ पर अपना मतदान करने आए हैं? बेरोजगारी के मुद्दे पर हम लोग वोट करने आए हैं। पहले तो विकास के मुद्दे पर वोट किए थे लेकिन विकास तो कुछ हुआ नहीं, और अभी इस बार बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट करने आए हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट करने आए हैं इस बार? तो फर्स्ट टाइम वोटर हैं कि पहले भी आपने? पहले भी वोट कर चुके हैं। पहले भी वोट कर चुके हैं। तो आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि इस बार इनका मुद्दा है बेरोजगारी। तो ये लोग अपना सुबह सुबह यहाँ पर मतदान करने आए हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं भी हैं जो सुबह सुबह अपना मतदान करने आई हैं, और आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि कोरोना महामारी के बीच देश में यह पहला बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है, और जो भी लोग आ रहे हैं पहले यहाँ पर उनको थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, हाथ में सैनिटाइज़र दिया जा रहा है, और साथ ही ग्लव्स भी यहाँ पर मुहैया कराया जा रहा है लोगों के लिए। तो यहाँ पर काफ़ी संख्या में सुबह सुबह जो वोटर्स हैं वो अपना मतदान करने आए हैं। सुरक्षा भी काफ़ी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी यहाँ पर हैं, बिहार पुलिस के जवान भी यहाँ पर अपना कड़ी सुरक्षा दे रहे हैं, और भी कुछ लोग हैं, युवा हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। पहली बार मतदान करने आए हैं? जी नहीं, दूसरी बार है ये। तो किस मुद्दे को लेकर वोट करने आए हैं? हमें ये नहीं करना है कि ये जो सरकार है, सरकार की अच्छी व्यवस्था जो है अच्छी आनी चाहिए, और ये यहाँ का वृद्धि होनी चाहिए। यहाँ का विकास दिखता ही नहीं है ज़्यादा, बिहार तर में विकास BJP लाया ही क्या है विकास, इसलिए। तो विकास के मुद्दे पर आज वोट अपना दे रहे हैं? जी सही पकड़े। तो साफ तौर पे आप सुन सकते हैं कि विकास के मुद्दे पर ये वोट देने आए हैं, और भी युवा हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सुबह सुबह मतदान करने आए हैं तो कितने उत्साह हैं?
बहुत उत्साह है। तो फर्स्ट टाइम वोटर हैं कि पहले भी मतदान किया है? पहले भी मतदान किया। तो किन मुद्दों के साथ आज अपना यहाँ पे मतदान देने आए हैं? बस यही कि हम लोग विकास चाह रहे हैं, हम लोग को अपना रोजगार चाह रहे हैं कि हम युवा लोग को कुछ मिले, कुछ यही। और भी हैं, युवा हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर अपना मतदान करने आए हैं आज आप? रोजगार, कभी बेरोजगारी खत्म ही नहीं हुई बिहार में। 15 सालों से मैंने डबल इंजन की सरकार को देख ली, कभी भी बेरोजगारी खत्म नहीं हुई। सड़क बना दी, बिजली बना दी, रोड बना दिए हैं, घर हर घर नल जल सब दिए, इससे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? कभी नहीं। तो इस बार तो तय है, डबल इंजन की सरकार को हम वोट नहीं देंगे इस बार, ठीक है। तो विकास के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर यहाँ पर आप अपना वोट देने आए हैं जी, जी। तो आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि ये बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र है, और सुबह के 7:30 बज रहे हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो मतदाता हैं वो अपना मतदान करने आए हैं। और साफ तौर पे इनका कहना है कि हम बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, रोजगार के मुद्दे को लेकर और विकास के मुद्दे को लेकर यहाँ पर वोट करने आए हैं। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।